नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत, साथ में आपके शिखा ठाकुर। अखंड भारत में देश के हर हिस्से की खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। देखिए, नई संसद तकरीबन 2.5 साल में बनकर के पूरी तरीके से तैयार हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। अब 28 मई को वो उद्घाटन भी करेंगे और इसी बात को लेकर के अब सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी दलों का कहना है कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से न कराना राष्ट्रपति पद का अपमान है। और इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विरोधियों को निशाने पर लिया और ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण देकर इशारों में हमला बोला। पीएम बना रहे कीर्तिमान, विरोधी इसलिए परेशान। पीएम का प्रहार, बहिष्कार पर आर पार। संसद भवन बहाना, पीएम मोदी निशाना। संसद के नए भवन का उद्घाटन 28 मई को होने वाला है। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है, लेकिन विपक्ष को ये रास नहीं आ रहा है। विपक्ष सरकार को घेरने में जुटी हुई है, मगर पीएम मोदी ने विपक्ष की हवा निकाल दी। 3 देशों का दौरा कर भारत पहुंचने पर पीएम मोदी ने इशारों में विपक्ष को निशाने पर लिया। जब मैं कहता हूं कि हमारे तीर्थ क्षेत्र पर हमला स्वीकार्य नहीं है तो दुनिया भी मेरे साथ देती है। दोस्तों, हिरोशिमा की धरती, जहां पर मानव संहार का भयानक घटना घटी थी, उस हिरोशिमा की धरती पर जब पूज्य बापू की प्रतिमा लगती है, शांति का विश्व को संदेश बड़े गर्व के साथ हम पहुंचा पाते हैं। विपक्ष ने उद्घाटन समारोह में शिरकत नहीं करने के लिए संयुक्त रूप से चिट्ठी लिखी है, जिसमें 19 दलों का जिक्र है। जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है, उसी मुद्दे को लेकर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया, पिछले 9 सालों में 5 गैर भाजपाई राज्यों में नई विधानसभा का या तो शिलान्यास या फिर उद्घाटन हुआ। इन सभी का उद्घाटन मुख्यमंत्री या फिर पार्टी अध्यक्ष ने किया। कोई एक भी उदाहरण नहीं मिलता है जिसमें राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल को बुलाया गया। हिमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट में 4 मामलों का भी जिक्र किया, जब विधानसभा भवन का शिलान्यास या उद्घाटन हुआ लेकिन राज्यपाल को आमंत्रित नहीं किया गया। हिमंत ने विपक्ष को दिखाया आईना। 2014 में झारखंड और असम में विधानसभा का उद्घाटन किया गया, गवर्नर को नहीं तत्कालीन मुख्यमंत्री को बुलाया गया। 2018 में आंध्र प्रदेश के सीएम ने नई असेंबली का शिलान्यास किया। 2020 में सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ की विधानसभा का शिलान्यास किया, छत्तीसगढ़ में गवर्नर को आमंत्रित नहीं किया गया। लेकिन विपक्ष का अपना राग है, विपक्ष पीएम के बदले राष्ट्रपति से उद्घाटन की मांग कर रहा है। तमाम विरोध और सियासत के बीच नए संसद भवन के उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को हवन पूजन के साथ नवनिर्मित नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, नई संसद पर जंग लगातार जारी है। ऐसे में आपको बताते हैं कि कितनी पार्टियां उद्घाटन समारोह में आएगी और कितनी नहीं आएगी, और तो और लोकसभा और राज्यसभा में किसका कितना प्रतिनिधित्व अंदर है। देखिए, पक्ष में बीजेपी समेत 17 पार्टियां हैं। लोकसभा में 7.82% का प्रतिनिधित्व है और इसके साथ ही राज्यसभा में 42.86% का प्रतिनिधित्व। विरोध में कांग्रेस समेत अब 20 पार्टियां हैं। ऐसे में लोकसभा में आपको ये भी बताएं कि 26.38% का प्रतिनिधित्व है, वहीं राज्यसभा में 38.23% का प्रतिनिधित्व है। और ऐसे में अब नए संसद भवन को लेकर के एक बार फिर से सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी 2 टूक कहा गया। आज उन्होंने अपने विरोधियों को निशाने पर भी लिया और साथ ही ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल दिया। चलिए, अब खबरों में और आगे बढ़ते हुए देखिए, 3 देशों की यात्रा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस देश लौट आए हैं। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंचने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं दुनिया के देशों में जाकर के दुनिया के महापुरुषों से मिलकर के हिंदुस्तान के सामर्थ्य की बात करता हूँ, मेरे देश की महान संस्कृति का गौरवगान करता हूँ। मैं आंखें नीची नहीं करता, आंखें मिलाकर बात करता हूँ।
the money is the boss. यही समय है, सही समय है। अब हिंदुस्तान का टाइम आया है। वादों वाले नहीं, इरादों वाले प्रधानमंत्री। बदले वाली नहीं, बदलाव वाली सरकार। देश बदल रहा है, रच रहा है कीर्तिमान। 9 साल होने को आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र में सत्ता संभाले हुए। इन 9 साल में उन्होंने जो काम किए हैं उसकी वजह से पीएम मोदी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। दुनिया के तमाम दिग्गज पीएम मोदी के मुरीद हो गए हैं। दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष पीएम मोदी को बॉस बोल रहे हैं। दुनिया के बॉस 3 देशों की यात्रा कर स्वदेश लौट आए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत का दुनिया में मान इसलिए बढ़ा है क्योंकि देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। मेरे देश की महान संस्कृति का गौरव गान करते समय मैं आंखें नीचे नहीं करता हूं, आंखें मिला करके दुनिया से बात करता हूं। और ये सामर्थ्य क्यों आया है? ये सामर्थ्य इसलिए है क्योंकि हमारे देश ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। आप सबने देश को पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत किया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। 3 देशों में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा दिखाई दिया उसके बाद भारत लौटने पर पीएम मोदी ने कहा कि ये यश हिंदुस्तान के पुरुषार्थ का है। मैं दुनिया के देशों में जाकर के दुनिया के महापुरुषों को मिलकर के हिंदुस्तान के सामर्थ्य की बात करता हूं, हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी की टैलेंट की चर्चा करता हूं और अवसर मिलने पर भारत कैसे खिल उठता है, भारत के नौजवान कैसा पराक्रम करके दिखाते हैं, ये बात मैं दुनिया में जाकर के बताता हूं। पीएम मोदी का विदेश दौरा हमेशा ही खास रहता है क्योंकि जब भी वे बाहर जाते हैं केवल एक ही गूंज सुनाई देती है और वो है मोदी मोदी। लेकिन इस बार का दौरा कुछ ज्यादा ही शानदार था। जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद पीएम ने भारत की धरती पर कदम रखे और विदेश में मिले सम्मान के बारे में बताया। पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर उन्होंने क्या कहा सुनिए। जब कोरोना कोविड के खिलाफ दुनिया लड़ रही थी, एक एक व्यक्ति को जिंदगी बचाने के लिए एक एक परिवार जूझ रहा था, पैसिफिक आइलैंड के इन देश के नागरिकों से मिला, हर किसी की आंख में, वो चाहे ड्राइवर हो, होटल में काम करने वाला कोई व्यक्ति हो, हर किसी की आंख में, जब हम उससे आंख मिलाते थे वो भाषा तो नहीं जानता था लेकिन उसकी आंखों से वो बताता था और कभी कभी इशारा करके बताता था कि आपने वैक्सीन दिया ना, इसलिए हम जिंदा हैं। पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए तो तस्वीर दुनिया भर में वायरल हुई। हालांकि पैर छूते समय पापुआ न्यू गिनी के पीएम के मन में क्या चल रहा था इस बारे में आज पीएम मोदी के दिल्ली पहुंचने पर विदेश मंत्री जयशंकर ने बताया। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हमारे राजदूत से बात कर रहे थे और उन्होंने उनसे पूछा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री को खाली प्रधानमंत्री नहीं मानता, मेरे लिए वो एक और अतिथि नहीं है, मेरे लिए वो गुरु हैं, विश्व गुरु। और जो आदर सम्मान जो था वो ना केवल उनकी सोच थी, वो पूरे पैसिफिक की सोच थी, पूरे दुनिया की सोच थी। एक वक्त था जब भारत की बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी,
मगर 2014 के बाद हालात बदले और आज दुनिया के नए सरदार के तौर पर पीएम मोदी उभरे। ये केवल कहने वाली बात नहीं है बल्कि तीन देशों में ऐसा दिखाई भी दिया। जापान के हिरोशिमा में G7 की बैठक में शिरकत करने के लिए पीएम मोदी गए तो G7 मंच पर दुनिया के दिग्गज मौजूद थे और हर कोई नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए आतुर था। दुनिया के दिग्गज पीएम मोदी के साथ गर्मजोशी से मिले। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम मोदी से गले मिले। जापान के बाद पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे तो पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे सारा ने प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी के पैर छुए और ऑस्ट्रेलिया में पीएम गए तो नजारा ही अलग था। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने पीएम मोदी को बॉस तक कह दिया। 2014 के बाद से पीएम मोदी का डंका दुनिया में बज रहा है। मोदी का मैजिक दुनिया के माननीयों पर चल रहा है। जब शख्सियत ऐसी बेमिसाल हो तो ग्लोबल लीडर कोई और कैसे हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से लाउड स्पीकर का शोर सुनाई पड़ रहा है जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिंता व्यक्त की है। सीएम योगी ने इसको लेकर के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रोक के बावजूद लाउड स्पीकर लगाना बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीएम योगी ने अधिकारियों से बातचीत में यह भी कहा कि अभियान चलाकर धार्मिक स्थानों पर लगे लाउड स्पीकर्स की आवाज को पहले की तरह ही नियंत्रण में लाया जाए। लाउड स्पीकर पर सीएम योगी की लक्ष्मण रेखा। लाउड स्पीकर का शोर कम करने का आदेश। उत्तर प्रदेश के सियासत में एक बार फिर लाउड स्पीकर का शोर सुनाई देने लगा है। एक बार फिर से लाउड स्पीकर की आवाज को ब्रेक लगाने की बात कही जा रही है। एक साल पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक स्थल से लाउड स्पीकर हटाने का आदेश दिया था। असर भी हुआ और हजारों लाउड स्पीकरों को हटाया गया। दिन और महीने गुजरे और कई सारे पूजा स्थलों पर लाउड स्पीकर्स को लगा दिया गया, जिसके बाद सीएम योगी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था पर मीटिंग हुई और इस बैठक में योगी आदित्यनाथ ने लाउड स्पीकर्स को हटाने और आवाज को कम करने का आदेश दिया। कुछ महीने पहले संवाद के माध्यम से हमने धर्मस्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जाने की अभूतपूर्व कार्रवाई संपन्न की थी। लोगों ने व्यापक जनहित को प्राथमिकता देते हुए खुद से लाउड स्पीकर हटाए, इसके पूरे देश में सराहना की गई। हाल के दिनों में जनपदीय दौरों के समय मैंने अनुभव किया कि कुछ जिलों में फिर से लाउड स्पीकर लगाए जा रहे हैं। ये स्वीकार्य नहीं है। तत्काल संपर्क संवाद कर आदर्श स्थिति बनाई जाए। लाउड स्पीकर की वजह से काफी परेशानियां होती हैं। यही वजह है कि सीएम योगी ने मीटिंग में कहा ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती से रोक लगाई जाए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए, मांगलिक कार्यक्रम से पहले डीजे और म्यूजिक सिस्टम संचालकों से संवाद कायम करें, किसी को भी अव्यवस्था फैलाने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। पिछले साल सीएम योगी ने जब आदेश दिया था तो पूरे यूपी में इसका असर दिखा था। धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर हटा लिए गए थे, साउंड काफी कम कर दिया गया था। इस कदम को काफी सराहा गया, मगर एक बार फिर से पहले वाली स्थिति बनने लगी तो सीएम योगी इस पर सख्त हुए और लाउड स्पीकर पर लक्ष्मण रेखा खींच दी। रिपोर्ट, भारत 24।